नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। आज से करीब 45 साल पहले आज ही के दिन यानी 3 अक्टूबर 1977 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन ब्लंडर रखा गया। गिरफ्तारी का ये पूरा मामला क्या था, आज के सेशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इंदिरा गांधी को क्यों गिरफ्तार किया गया और उसके बाद क्या हुआ। अब आपको इस गिरफ्तारी से कुछ साल पहले ले चलते हैं। साल 1971 में देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। उस वक्त इंदिरा गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली से भी भारी जीत मिली थी। साल 1975 में इसके 4 साल बाद चुनाव में धांधली के चलते उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने संपूर्ण देश में 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सिफारिश पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के मुताबिक देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। उनके हस्ताक्षर के बाद देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह यानी 26 जून को पूरे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में संदेश सुना, भाइयों और बहनों राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इतना कहना था कि पूरा देश सहम उठा। हालांकि 25 जून की रात से ही विपक्ष की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस आदि जैसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया गया। इतनी गिरफ्तारी हुई कि जेलों में जगह तक नहीं बची थी। इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता को भी छीन ली गई, उस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बिठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार पत्र छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार पत्र छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। इसका खामियाजा उन्हें 2 साल बाद 1977 में लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ ही रायबरेली से भी इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1977 में जनता पार्टी को जीत मिली और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्रालय सौंप दिया गया। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए चौधरी चरण सिंह भी मांग करने लगे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एक शर्त रखी कि इंदिरा गांधी को हथकड़ी न पहनाई जाए। मोरारजी देसाई का ये कहना था कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन चौधरी चरण सिंह नहीं माने, वो पूरे तैयारी में जुट गए। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में हार के पूरे 3 महीने बाद इंदिरा गांधी बाहर निकली और बिहार के बिरछा दौरे पे गई। उसी साल 27 मई को बिहार के बिलछी में 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहां पहुंचकर वहां उन्होंने 5 दिन बिताया, जिसके बाद फिर सुर्खियों में आ गई और फिर इंदिरा गांधी को लोगों का समर्थन मिलने लगा। इधर उनके गिरफ्तारी के प्लान पर भी काम चल रहा था। चरण सिंह ने सीबीआई के खास अफसर एनके सिंह को चुना। गिरफ्तार करने की कार्यवाही आगे बढ़ी और गिरफ्तारी की तारीख तय की जानी थी। सबसे पहले 1 अक्टूबर 1977 का दिन तय किया गया, लेकिन उस दिन शनिवार था और चरण सिंह की पत्नी का कहना था कि शनिवार का दिन गिरफ्तारी के लिए शुभ नहीं है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, उस दिन अगर गिरफ्तारी होती तो पूरे देश में गलत संदेश जाता, इसलिए गिरफ्तारी रोक दी गई। अब 3 अक्टूबर का दिन तय हुआ और समय शाम 5 बजे का रखा गया, ताकि उस दिन उन्हें जमानत ना मिल सके और कम से कम उन्हें 1 रात जेल में बिताना पड़े। इसके बाद FIR दर्ज की गई। अब आपको बताते हैं कि उन पर आरोप क्या लगाया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी। आरोप ये था कि उन जीपों का भुगतान उद्योगपतियों ने किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था, महज एक आरोप था। 3 अक्टूबर 1977 का दिन शाम 5:15 हो रहे थे, सीबीआई अफसर अपने एम्बेसडर कार से इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। एनके सिंह को वहां देखकर अफरा तफरी मच गई। पूरे 1 घंटे के बाद एनके सिंह को इंदिरा गांधी से मिलने का मौका मिला। दोनों के बीच कुछ देर अकेले में बात हुई। गिरफ्तारी की बात सुनकर इंदिरा गांधी चिल्लाकर बोलने लगी, मुझे किसी गिरफ्तारी से डर नहीं है। करीब 3 घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इन 3 घंटे में उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा हो गया। कार्यकर्ता गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, लेकिन एनके सिंह गाड़ी आगे बढ़ाने को कह दिए। अगले दिन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने केस की सुनवाई हुई।
सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता, लेकिन मजिस्ट्रेट ने सिर्फ एक सवाल से ही केस को डिसमिस कर दिया। मजिस्ट्रेट ने प्रोसिक्यूशन के वकील से पूछा कि आपके पास इसका कोई सबूत है, तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि FIR कल ही दायर हुई है, ऐसे में एडिशनल सबूत जमा करने में समय लगेगा। इतना सुनते ही सिर्फ 1.5 मिनट में जज ने अपना फैसला सुना दिया और कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे में केस को डिसमिस किया जाता है। जज का ये फैसला जनता सरकार के लिए बड़ा झटका था। ये गिरफ्तारी जनता पार्टी के लिए ब्लंडर साबित हुआ। और साल 1980 में लोकसभा का फिर चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत से वापसी की।